और वो भाई पका पका पिकअप ले पिकअप ले पिकअप ले पिकअप यार और 310 वाले को देखो अपाचे। अरे केटीएम वाला बंदा गिर गया गाइस, मुंह दबा दिया, देखो गाइस मैंने उसको दबा दिया। ओ भाई लेके चल मुझे लात के लिए, चल लात के। तो हेलो गाइस, तो कैसे आप चलो, तो गाइस हम वापस आ चुके हैं जीटी पब की कॉर्नी वीडियो के साथ और एक और अलग अनोखे भाई ड्रैग रेस चैलेंज के साथ। और गाइस आज का जो ड्रैग रेस है भाई वो सेम वैसी जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था और वो वाला आप लोगों को पता ही होगा भाई, बहुत से लोग कहते हैं भाई इसकी और वीडियो लाओ। तो भाई ये है अपना क्लाइंबिंग ड्रैग रेस चैलेंज, लेकिन भाई आज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो यार, इधर टक्कर लेने वाले भाई अपनी बाइक्स और देखने वाले यार आज की ड्रैग में जो भाई क्लाइंबिंग ड्रैग होने वाले, इसमें यार अपनी जो बाइक्स यार ये कैसा परफॉर्म करती है भाई। गाड़ियों की तो परफॉर्मेंस देखिए भाई, एसयूवी हैचबैक सरान सब की, लेकिन यार कभी बाइक के साथ भाई ऐसी क्लाइंबिंग ड्रैग रेस हमने नहीं करी। तो गाइस शुरू करते गाइस आज की इस ड्रैग को, देखते हैं भाई आज की जो भाई ड्रैग है कैसी होने वाली है। तो गाइस हमारी जो पहली गाड़ी भाई वो है अपनी केटीएम के RC 390 और देखते हैं भाई 390 यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली। और मैं गलत इंसान का ही खड़ा हूँ, हाँ सही बात, मैं गलत इंसान का ही खड़ा हूँ भाई। इंडेवर है भाई, कचर मतलब फ्लैट कर देगी पूरा। तो ये चली गाइस अपनी भाई यहाँ पे, और बाप रे एक को तो भाई देख रहे हो बिग डैडी भाई, मतलब जुल्म ढा रहा है बंदों पे। लेकिन अपन के पास भाई KTM RC भाई, RC शायद से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करने वाली, वैसे भी चढ़ाई बढ़ने वाली। और भाई बंदे गिर रहे हैं यहाँ पे यार, मतलब बंदे गिर रहे हैं यार बाइक वाले के साथ, तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। और ये जा रही गाइस अपनी दो लेजेंडरी कार्स, इनकी अलग ही ड्रैग चल रही है भाई, इनकी दुनिया से अलग ही ड्रैग जा रही है यार। ओके भाई की मुझे गिराने की कोशिश पूरी थी यार, पूरी कोशिश थी। और वो भाई पका पका पिकअप ले पिकअप ले पिकअप ले पिकअप ले भाई। ओ भाई यार इनको टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल है भाई, मेरे पास KTM RC है तब भी यार मैं थोड़ा सा ना पिकअप मेरा धीमा रह रहा है। ओ धीमी होती जा रही है, धीमी होती जा रही है। नहीं 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 भाई निकल जाएगा फॉर्चूनर वाला, निकल जाएगा आगे। ऑल राइट भाई पहुँच गए, पहुँच गए गाइस, पहुँच गए फाइनली यार, फाइनली हम लोग पहुँच गए भाई यहाँ पे। तो भाई अपनी पहली जो रेस है भाई अपने KTM RC से जीत लिए, सेकंड आई भाई अपनी लेजेंडर, और भाई थर्ड आई है गाइस अपनी एंडेवर। तो गाइस बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। तो गाइस इस बारी मैं चला रहा हूँ भाई अपनी बुलेट, और देखते हैं गाइस जो अपनी बुलेट है भाई यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है यार। और भाई ये बंदा मुझे लग रहा है भाई एक साथ तीनों को लपेट देगा यार। नहीं मैं रिस्क नहीं ले रहा भाई गाड़ी के खड़े होने का। और ये चली भाई अपनी बुलेट, और भाई बुलेट में यार मतलब ये गाड़ी चढ़ाई पे यार मतलब कि अच्छी चढ़ी, क्योंकि भाई लद्दाख वगैरह सब बुलेट लेके जाते हैं, तो मेरे साथ भाई यहाँ के लिए भाई बुलेट परफेक्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो भाई अपना जो हाथी है भाई कितनी बढ़िया तरीके जा रहा है भाई, KTM RC वाला बंदा एकदम आगे आगे जा रहा है। वो देखो भाई यार RR 310 वाले को देखो अपाचे। अरे KTM वाला बंदा गिर गया गाइस, मुंह टूट चुका है उसका। और यहाँ पे भाई बुलेट भाई स्लो क्यों हो रही है यार, बुलेट की एक चीज़ अब बहुत बेकार है भाई, ये बाइक अब पिकअप नहीं लेती यार जल्दी। और यहाँ पे गाइस इसकी तो जान निकलने वाली है, और एंडेवर भाई निकल गई, ओवरटेक कर गई यार बुलेट। यार स्पीड बढ़ा भाई, पटाखे मार रही है भाई, स्पीड बढ़ा ले, स्पीड बढ़ा भाई, ये तो मर जाएगी लग रहा है गाइस। गई रेस, गई गाइस, हार गए ये राउंड, तो भाई अपन हार चुके हैं यार बुलेट से यार, मतलब ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता है बुलेट से जीतूंगा, मैंने इसलिए बुलेट ली थी, ऐसे रोने के लिए नहीं ली थी भाई, रोती स्पीड नहीं चाहिए मुझे बुलेट यार। यार भाई फोर्थ भी नहीं मिली भाई, फिफ्थ पोजीशन मिलेगी अब अपने को। और यहाँ पे भाई अपना हाथी लेके पहुँच गए भाई फिफ्थ पोजीशन पे, और मतलब जो सोचा था भाई उससे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उल्टे रिजल्ट्स आए हैं। और इस बार में अगले राउंड भाई गाड़ी लेंगे और कुचल देंगे भाई सबको भाई, मच्छर की तरह ना एकदम मसल देंगे गाइस, लेते हैं गाइस गाड़ी। और राइट भाई आ गए यार अपनी फोर्ड के एंडेवर के साथ, और आपको पता होगा एंडेवर के जलवे भाई, एंडेवर लो और ये ना करो तो भाई मज़ा थोड़ी ना आएगा यार। दबा दिया देखो गाइस मैंने उसको, दबा दिया। ओ भाई लेके चल मुझे लात के लिए, चल लात के लिए चल। हाँ ऊपर से भाई मैं ऐसे ही जाने वाला था अभी, मैं लिटरली ऐसे ही जाने वाला था अगर भाई थोड़ी देर और मतलब लदी रहता ना इसके ऊपर। और अभी मैं सुनाऊंगा भाई बाइक वालों को सबक गाइस, और सबसे आगे मेरे भाई बुलेट वाला जा रहा है भाई अपना सूटकेस वगैरह टांग के। ओहो भाई बच गया वो तो, ये चल तू तेरी रेस यहीं पे ख़त्म होती है। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन अभी भाई भगाते हैं गाड़ी को आगे। और ये कौन जा रहा है भाई, इसकी तो ऊपर ना गिर जाऊँ मैं कहीं। ओह इंडेवर लड़ गई भाई यार, भाई लेजेंडर जीत जाएगी। इंडेवर भाग भाई, बम्पर टूट चुका है इंडेवर का भाई, उसमें लग रहा है भाई लेजेंडर की स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा है क्या यार, मुझे तो ऐसी लग रहा है। वो भाई हट जाए यार, नीचे वीचे आ जाएगा, बोलेगा फिर क्या चढ़ा दी यार भारी हाथी चढ़ा दिया मेरे ऊपर। वो अपाचे वाला देख लो गाइस स्ट्रगल कर रहा है, इसको धक्का मार के मैं आगे क्यों बचाऊँ, रुक। और मैं यहाँ पे सेकंड गाइस, सेकंड फाइनली भाई सेकंड आ गए हैं भाई अपने एंडेवर के साथ, और डोनट यहाँ पे मारते हुए भाई अपना फिनिश पॉइंट पे आ चुके हैं। और यहाँ पे भाई एंडेवर की परफॉर्मेंस तो बाकी बहुत बढ़िया थी, लेकिन भाई बाइक चलाएंगे इस बार, मैं लेने वाला हूँ यार अपनी लेजेंडरी बाइक अपनी स्प्लेंडर, और देखते हैं ना स्प्लेंडर कैसे परफॉर्म करती है। तो गाइस अब बारी आती है भाई अपनी लेजेंडरी बाइक अपनी स्प्लेंडर की, और भाई स्प्लेंडर यहाँ पे काफ़ी दमदार है भाई अपनी स्प्लेंडर, और देखते हैं स्प्लेंडर यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और ये चलिए भाई अपनी स्प्लेंडर यहाँ पे देसी गाड़ी,
जैसी गाड़ी भाई व्हीली मारती जाएगी भाई अपनी। ओ चल बेटा स्प्लेंडर भाई मस्त परफॉर्मेंस गाइस, लाइट वेट बाइक है और क्या भाग रही है स्प्लेंडर भाई। ओ गिर गए, दो लपेट गए, दो गिर गए गाइस, सीधा सीधा गिर गए। और यहाँ पे भाई चल 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 स्प्लेंडर कम ऑन भाई। ओ ओ बच गया अभी तो गड़बड़ हो जाती भाई। भाई लेजेंडर वाला बंदा क्या चाह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। इसकी राहें मुझे नेक नहीं लग रही, इसने मेरे पे निशाना लगाया था मैंने देखा अभी। अरे ओ चल भाई तू निकल जाएगी भाई, मेरी स्प्लेंडर की जान निकल चुकी है यहाँ पे। अरे चलना भाई फर्स्ट गियर डाल भाई, आरसी वाला निकल रहा है आगे यार भाई, इज्जत लुट जाएगी। तेज चल भाग स्प्लेंडर भाग। ओ भाई कैसे करके इसको भगा रहा हूँ एक टायर पे। ओ भाई ओवरटेक कर दिया भाई यार, इसकी तुम इज्जत भाई, उसकी तो इज्जत गई भाई। हमने स्प्लेंडर से गाइस आरसी वाले को ओवरटेक किया यार, स्प्लेंडर ओपी हो जाए यार एक बार। और क्या ही मस्त परफॉर्मेंस थी भाई, मेरी पोजीशन भाई अच्छा फर्स्ट इधर, अच्छा समझ गया गाइस, मेरी थर्ड पोजीशन है गाइस, इसका कुछ अलग ही पंगा आप दिखा रहे सही। तो गाइस इसी के साथ भाई स्प्लेंडर वाली भी हम लोग जीत चुके हैं, बढ़ते हैं गाइस अगली बाइक्स की तरफ। तो गाइस जा चुके हैं भाई अपनी पल्सर NS 200 के साथ। और यार ये वाली बाइक को हल्के मत देना भाई, पल्सर है पल्सर भाई, एक एक की पसलियाँ इस पल्सर से मैं अलग करूँगा। और ये चली, अरे 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 थॉर वाले की दादागिरी भाई, पल्सर को पकड़ेगा तो पल्सर नहीं पकड़ सकता गाइस गाड़ी भाई, पल्सर नहीं पकड़ सकता ये बंदा। ओ भाई पल्सर क्या भाग रही है यार, कसम से भाई एंडेवर ओवरटेक कर दूंगा मैं। ओ ये क्या भाई, चीटिंग कर रहा है भाई, कुचलने की कोशिश भाई, खोपड़ा खोलने की कोशिश कर रहा है मेरी। लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने पास पल्सर है भाई, पल्सर भगाएंगे यार बस। ओ भाई क्या भाग रही है पल्सर, ओ भाई बैक फ्लिप मार देगा यहाँ पे। नहीं यार इतना टाइम नहीं है भाई, मतलब रेस हार सकते हैं हम लोग, ये रिस्क नहीं लेना। और भाई यहाँ पे अभी स्पीड धीमी सी लग रही है पल्सर की अपनी। ऑल राइट गाइस पल्सर, ओ खोपड़ी बच गया गाइस, फर्स्ट आए गाइस पल्सर से हम लोग भाई, मतलब KTM RC नहीं पहले पल्सर से हम लोग फर्स्ट आ गए यार, क्या बात है यार, मज़ा आ गया भाई। सेकंड एंडेवर आई है, थर्ड आ गया भाई अपना। ये क्या उधर कहाँ जा रहा है भाई, इधर है फिनिश को। अरे यार इसने ये क्या बदतमीजी थी भाई साहब, ओ लेजेंडर वाले भाई साहब क्या बदतमीजी थी। तो खैर यहाँ पे भाई सेकंड भाई RC 390 और थर्ड गाइस लेजेंडर और सेकंड एंडेवर भाई, ये क्या ऊपर नीचे होता रहता है। खैर गाइस बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। तो गाइस इस बारी मैं चलाने वाला हूँ यहाँ पे अपने टोयोटा की फॉर्च्यूनर लेजेंडर, और देखते हैं ना भाई लेजेंडर यहाँ पे। मैं अब क्यों डर रहा हूँ, मैं अब क्यों हटूँ, मैं लेजेंडर मेरे पास है, सबको पीछे कर दूंगा मैं यहीं से। तीन गाड़ियों को धक्का मारने की ताकत रखता हूँ मैं एक साथ भाई, लेजेंडर मेरे पास बदतमीजी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कोई भी। और ये चले गए लेजेंडर अपनी, और अभी आप लोग लग रहा होगा भाई मैंने क्या कर दिया भाई, बंदे आगे निकल गए, लेकिन बंदे ये मेरे लिए मच्छर समान है, ये मेरे से जीतेंगे भाई, लेजेंडर है मेरे पास यार, मतलब मजाक थोड़ी ना ये गाड़ी मजाक थोड़ी ना। चलो ये तो कुचल गया, नीचे आ गया भाई, बच गया यार, वो बच गया भाई, लिटरली बचा यार बंदा। और यहाँ पे गैस चढ़ाई आ गई, तो लेजेंडर थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम देती है, लेकिन यार कोई दिक्कत नहीं है अभी भी भाई, इसकी गाड़ी मतलब स्पीड अच्छी खासी है। हाँ चढ़ाई में बाइक्स की स्पीड काफ़ी बढ़िया रहती है, लेकिन भाई लेजेंडर की भी अच्छी खासी है। और गैस फर्स्ट पोजीशन भाई लेजेंडर साथ आ चुकी है, और गाड़ी देख रहे भाई एकदम खून के साथ ना, इसका लुक और अच्छा सा क्यों लगता है गैस। लेकिन भाई ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन भाई अपना तो हम लोग फर्स्ट आ चुके हैं, सेकंड आ गई भाई अपनी NS 200। थर्ड गैस थार एंडेवर कहाँ गई, होली मोली एंडेवर कहाँ गई, एंडेवर कहीं गायब हो गई गैस, एंडेवर रेस से कहाँ चली गई भाई, वो बंदा निकल के कहीं खाना पीना नहीं भाई, वो आ रही है यार, इसको पक्का किसी ने ना दबा दिया किसी ने उसको यार। तो पढ़ते हैं अगले राउंड पे अब। तो गैस जा चुके हैं भाई अपनी महिंद्रा की थार के साथ 4x4, और इतने गैस यहाँ पे थार के साथ हम अभी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे यार, क्या लगता है। और ये चली भाई अपनी थार यहाँ पे, और देखते हैं क्या होता है भाई। अरे क्या लहरा रहा है नागिन की तरह, हाँ हिला ऐसे करके जा रहा है। खैर कोई बात नहीं भाई, अपने को थार पे फोकस करना है भाई, 4x4 गाड़ी अपनी। और ये चली भाई थार, चली और ये भाई कमॉन यार थार, कमॉन यार बड़ा थार, स्पीड बढ़ा यार। गाइस फोर्थ पोजीशन है भाई, एटलीस्ट इस बाइक वाले को तो मैं हरा दूँ यार, ऐसा तो कर दे यार थार, वो हार जाएगी बाइक वाले, चल तेरी ऐसी की तैसी भाई। अरे नहीं यार मेरा पिकअप ड्रॉप, ओ कमॉन यार बाइक को तो पीछे कर यार थार, ये उम्मीद नहीं है। ओ ये ओवरटेक ओ गाइस कर दिया, लेकिन भाई इस थार का भाई यार स्पीड ड्रॉप होने लग जाती है बीच बीच में। चल नहीं आगे निकल जाएगा। और गैस फाइनली गैस थर्ड पोजीशन आई है थार से, हालांकि भाई एंडेवर और लेजेंडर की जो मतलब पोजीशन है ना, वो ले पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी भाई, वो गाड़ियाँ बहुत पावरफुल और भगाने के लिए बनी हुई हैं।
तो भाई यहाँ पे भाई ये वाला राउंड भी चलो जैसे तैसे गए, सब लोग थर्ड आ गए हैं, लेकिन भाई अभी होने वाला अपना आखिरी राउंड जहाँ पे ले रहे हैं बिग डैडी। और मुझे नहीं पता गाइस बिग डैडी कैसा परफॉर्म करेगी, वैसे लास्ट वीडियो में देखा ही होगा इनको पता होगा, लेकिन भाई एक बार फिर से चलाते गाइस बिग डैडी को। ऑलराइट गाइस जा चुके हमने बिग डैडी एसयूवी को लेके और देखते हैं गाइस बिग डैडी यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेगी। वैसे मुझे लग रहा है बिग डैडी दिक्कत दे सकती है, इसलिए मैं पीछे नहीं जाने वाला भाई, पोजीशन आगे मिली तो मैं इसको आगे ही रखूंगा गाड़ी को। और बिग डैडी जा रही भाई यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जा रही है अभी तक तो, और ये बाइक वाला ओवरटेक करते हुए मुझे पाया और मैं इसको ठोक नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जा जा तू आगे जा भाई, देखे कब तक जाता है भाई बिग डैडी। यार ये चढ़ाई पे ना बहुत दिक्कत देती है यार ये गाड़ी। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, थार को तो पीछे कर सकती ना बिग डैडी। यार ऐसा मत बोलिए कि थार के पीछे हो पाएगी तेरे से। चल 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 चल, कम ऑन बिग डैडी। या इसका तो स्पीड ड्रॉप हो रही है यार, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। गैस फर्स्ट गियर पर ही जा पाएगी, फर्स्ट गियर पर ही जा पाएगी। और यहाँ पे गैस देख सकते हो यार, हालांकि ये चीज़ बहुत सही, गाड़ी स्किट नहीं मार रही है, लेकिन ये बाइक वाला मेरे से आगे निकल रहा है भाई, केटीएम वाला, इसको तो रोकना पड़ेगा। नहीं बेटा तू नहीं जा सकता गैस आगे, तू आगे नहीं जा सकता, तुझे परमिशन नहीं आगे जाने की। बिग डैडी को तू ओवरटेक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भाई। कर गया कुत्ता भाई, कर गया यार। तेरी मौत है भाई बेटा, मौत है अब तेरी मौत है अब। तूने बिग डैडी को भाई, पता नहीं इस गाड़ी में गैंगस्टर चलता है तुझे पता नहीं, माइकल गैंगस्टर। अरे ये तो अमर है यार, क्या कर रहा हूँ मैं भी। तो क्या इसी के साथ भाई अपनी ये वाई जो ड्रैग है भाई यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर करना। मिलते हैं, बाय, टेक केयर।